तो गाइस आज सुबह मैं जैसे ही पबजी बेटा को ओपन करता हूँ 750 MB का अपडेट करता हूँ एंड उसके बाद जैसे ही मैं ईवो ग्राउंड में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे रूनिक पावर मोड देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि एक कोई ग्लिच है, पुराना मोड वापस से BGMI में कैसे आ सकता है। पबजी बेटा 1.6 का मतलब जितने इसमें फीचर है सारे के सारे BGMI 1.6 में आने वाले, इतने तो कन्फर्म होते हैं कुछ बेसिक फीचर्स को छोड़ के, बट यार एक नया मैप ऐड हुआ तो ऑब्वियसली आएगा। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो यार BGMI 1.6 अपडेट में रूनिक पावर मोड दोबारा से आने जा रहा है, जैसा कि पिछले मोड में था इसमें भी आपको तीनों पावर देखने को मिलती है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको रूनिक मोड का गेम प्ले शो करने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको मैं इसका रिलीज डेट भी बताऊंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि रूनिक पावर 2.0 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड क्या ये रूनिक पावर मोड की तरह ही होगा। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस पानी आप देख सकते हो यार मैंने पहला गेम प्ले लगा लिया है मैग्मा व्हील के साथ। ये जो है दूसरी पावर है जो कि आपको यूनिक पावर मोड में देखने को मिलती है, अगर आप पहले से पबजी खेलते होगे तो आपको पता होगा। बट मैं आपको बता दूं कि यार इसमें आपको एक व्हील देखने को मिलता है जिसमें कि फायर होता है, यानी कि अगर वो आपके एनिमी को टच करेगा तो काफ़ी ज़्यादा उसको डैमेज जाता है एंड उसके साथ साथ आप कवर लेके आगे भी बढ़ सकते हो। मेरे भाई दूसरा फीचर इसमें आपको जो मिलता है वो होता है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसको एक्टिवेट किया तो मैंने जब एनिमी को मारा तो मेरे बुलेट के डैमेज के साथ साथ उसको एक फ्लेम भी लगता है जिससे कि उसको डैमेज होता है। तो आप इस पावर को चूज़ कर सकते हो, बस मेन डिसएडवांटेज इस पावर में यही होता है कि जब आप मैग्मा व्हील क्रिएट करते हो तो उसके साथ साथ आपको आगे बढ़ना होता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। तो अभी मैं फटाफट से इस बंदे को मारता हूँ, बंदा मतलब बॉट। बॉट को मारने के बाद फटाफट से यहाँ पे लूट करता हूँ, लूट करने के बाद गाड़ी में बैठता हूँ और फाइनली आगे जाता हूँ। तो गाइस अभी मैं आगे जा ही रहा था तब से मुझे राइट और लेफ्ट दोनों तरीके से फुट स्टेप आते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे रियल बंदे हैं। एंड मैं आपको बता दूं यार यहाँ पे रियल बंदे जो होते हैं उनके ही सर्वर में हमको खेलना होता है तो उनका पिंग काफ़ी कम होता है, अपना पिंग आप देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको मारना नियर अबाउट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहले भाई राइट वाले को मारते हैं उसके बाद लेफ्ट वाले को मारते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यही होता है मैग्मा व्हील। अगर आप इसे ऐसे छोड़ दोगे तो आपको इसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा एंड अगर ये एनिमी को टच करेगा तो उसमें फायर भी लग जाता है। बट मेन डिसएडवांटेज जैसा कि मैंने आपको बताया यही है कि आपको उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा, आप एक जगह नहीं रुक पाओगे। तो मैग्मा व्हील को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे बंदे का पिंग काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यार मैं एक बंदा अभी आ रहा था तो मैंने सोचा इसको मारूंगा उसके बाद इसके टीममेट को मारूंगा, बट जैसे ही मैं इसको मारने के लिए आता हूँ देखो यार क्या सीन होता है, तुरंत ही इसका दूसरा टीममेट को मार देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गाइस यहाँ पे मैं फाइनली दूसरा मैच लगाता हूँ, दूसरे मैच में आने के बाद मैं सोचता हूँ भाई इस बार सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फीचर आइस वॉल को यूज़ करते हैं। मेरे भाई ये सबका फेवरेट फीचर था क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे एडवांटेज देखने को मिलते थे एंड ये सबका फेवरेट क्यों था मैं आपको सब कुछ गेम प्ले के प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो मैच स्टार्ट करता हूँ, मैच स्टार्ट होने के बाद मैं ऑफलाइन चला जाता हूँ क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, उतना देर कौन वेट करेगा। तो फाइनली मैं आता हूँ जब, तो आप देख सकते हो यार मेरी हेल्थ कितनी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा यार आप वॉल ऐसे क्लिक करके कैसे खड़ा कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही होता है कि आपको काफ़ी बड़ा वॉल देखने को मिलता है तो आप काफ़ी इजिली इसे खड़ा कर सकते हो एंड कहीं भी ओपन में कवर ले सकते हो, जो कि मैं आपको आगे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इस यूनिक पावर मोड 2.0 में क्या मत करना, तो गाइस सबसे पहले देखने को आप कहीं भी वॉल को लगा सकते हो, यानी आप कनेक्शन भी वॉल पे रख जाओगे उसके बाद कहीं और भी चढ़ सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है जैसा कि मैं बता रहा था। एंड मुझे लगता है कि मेरे पास आइस वॉल है मैं आपको शो करूं, तो यहाँ पे मैं एक वॉल लगाता हूँ एंड यार देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रूनिक पावर मोड 2.0 में क्या चेंजेस हुए हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा यार यहाँ पे काफ़ी देर से वॉल लगाने की कोशिश कर रहा था बट वॉल नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा यहाँ पे हो सकता है स्पेस नहीं है तो मैं वॉल को साइड में लगाता हूँ, बट देखो यार यहाँ भी नहीं लग पाता है तो फिर क्या ही सीन होता है। तो यहाँ पे ट्राई करने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं बीच में यहाँ पे बनाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे चढ़ के दोबारा इसके ऊपर वॉल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो यार क्या ही होता है।
जैसा कि आप देख सकते हो यार, मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ एंड मैं इसके ऊपर दीवार तो लगाता हूँ बट यार ये लग नहीं पाता है। तो मेरे भाई यूनिक पावर मोड 2.0 में यही चेंज होता है, यानी कि जो यूनिक पावर में आप पूरी एक लंबी टावर खड़ा कर देते थे इस आइस वॉल से, वो अब आप नहीं कर पाओगे। इस फीचर को रिमूव कर दिया गया है, हो सकता है वो ग्लिच हो जिसको कि इस यूनिक पावर मोड में रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे मुझे एक रियल बंदा दिखता है ना, आप देख सकते हो इस आइस वॉल का क्या एडवांटेज है। मैं इस पर क्लिक करके जा रहा हूँ, जैसे ही बंदा मुझे मारेगा मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरे पास एक सामने ओपन में कवर आ जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको एडवांटेज देता है। एंड यार मैं आपको बता दूं, ये एक रियल बंदा होता है, आपको मेरी हेल्थ से तो पता चली गया होगा। एंड मुझे पता था मैं इसे नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मेरी पिंग काफ़ी ज़्यादा थी एंड उसकी पिंग काफ़ी ज़्यादा कम थी, इसलिए मैं धीरे धीरे वॉल खड़ा करके यहाँ पे आता हूँ। एंड मुझे लगता है कि अब भाई वक्त आ चुका है जब उससे जाके फाइट ली जाए, देखते हैं कौन जीतता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे काफ़ी ईजिली आप ओपन में रश कर सकते हो इस वॉल को लगा के, एंड इसमें आप काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी कर सकते हो, जहाँ नहीं चढ़ पाते हो वहाँ भी चढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं दीवार लगा के आगे जाता हूँ बंदे से, अब सोचता हूँ कि सीधे फाइट ही लूँ। एंड यार देखो कैसे गाइस, अभी मैं दोबारा से यहाँ पे यूनिक पावर मोड का तीसरा पावर यूज़ करने के लिए आता हूँ जिसका नाम है विंड शेल्टर। एंड यार ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विंड शेल्टर में आपको दो पावर देखने को मिलेगा। एंड मैं आपको बता दूँ कि आइस वॉल में भी आपको दो पावर देखने को मिलता है, जिसमें कि पहला होता है एमओ फ्रीज करना, यानी कि आपके एनिमी का जो रिलोड टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, उसका एमओ काफ़ी ज़्यादा आपको कम मिलता है। इसमें आप देख सकते हो इसमें अभी आपको दो पावर देखने को मिलते हैं, पहला पावर एंड दूसरा पावर। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन गेम। तो फाइनली मैं यहाँ पे आता हूँ गाड़ी से एंड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस पावर को आप कैसे काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हो। तो पहला पावर जो है उससे आप एक शील्ड बना सकते हो अपने चारों तरफ, एंड जैसा कि आप देख सकते हो यार ये बॉट आपको मारने की कोशिश कर रहा है बट यार ये मार नहीं पा रहा क्योंकि इसके ज़्यादातर बुलेट जो है वो इस शील्ड पर लग जा रही है एंड हम बच जा रहे हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, जब एनिमी के पास स्नाइपर होगा तो उससे भी आप काफ़ी इजीली बच सकते हो। यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि यार कैसे हमको बॉट मार रहे थे बट यार ये शील्ड हमें प्रोटेक्ट कर रहा था। तो देख सकते हो भाई कैसे शील्ड पे आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा जैसे बुलेट उस पर हिट करेगी, तो इसमें आपको काफ़ी ढेर सारे एडवांटेज देखने को मिलते हैं इस फर्स्ट फीचर में जिसका नाम है विंड शेल्टर। तो देख सकते हो यार इसको मैंने काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया। उसके बाद दूसरे बॉट को दिखाता हूँ कि कैसे ये काफ़ी इजीली मुझे मार रहा था एंड इसकी गोली जो है वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रही थी। 50% ऑफ द बुलेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, आपको नहीं लगता है, तो इस शील्ड को आप यूज़ कर सकते हो। बट मेन डिसएडवांटेज इसमें यही है कि आप इससे बाहर जाओगे तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप दूसरा फीचर एक्टिवेट करते हो तो आप साइड में देख सकते हो यार कुछ मूव कर रहा है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये देखने को मिलेगा कि आपका हेल्थ भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका रिलोडिंग स्पीड भी कम हो जाएगा एंड काफ़ी तेज़ आप चल पाओगे, यानी कि आपका मूविंग स्पीड भी थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। आप हेल्थ देख सकते हो मेरा कैसे काफ़ी इजीली बढ़ गया। तो मेरे भाई यही तीनों फीचर थे जो कि आपको BGMI 1.6 यूनिक पावर मोड में देखने को मिलती थी। इसका रिलीज डेट जो है वो 14 सितंबर है, हफ्ते जो है आपको ये मोड देखने को मिल जाएगा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यूनिक पावर मोड को कैसे खेलते हैं, इसमें सबसे बेस्ट पावर क्या है एंड यार आप इस आइस वॉल को यूज़ करके कहाँ कहाँ बंदे को मार सकते हो, सबसे बेस्ट पावर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ और BGMI 1.6 में जो नए मोड्स आने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मैं बॉट के खिलाफ खेल रहा हूँ एंड यार इसमें बॉट नेड भी कर सकते हो, तो सारे मोड्स का टिप्स एंड ट्रिक्स आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर। तो गाइस मिलता हूँ आपसे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट्स।